हेलो दोस्तों, आपको स्वागत करता हूँ तरंग इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में। तो दोस्तों, ये वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिए, न्यू टेक्नीशियन को बहुत क्लियर नॉलेज मिल जाएगा। मैं पूरा डिटेल्स ये वीडियो के अंदर, ये जो रेनबो प्रॉब्लम है इसका ऊपर मैं डिस्कस करूँगा और सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों, ये सैंसी कंपनी का एक अल्ट्रा स्लिम CRT टीवी का चैसिस है। तो दोस्तों, इसी तरह सेम चैसिस वीडियोकॉन, सैंसुई, अकाई, फिलिप्स टीवी के अंदर भी देखा जाता है। तो दोस्तों, ये जो फॉल्ट, एक्चुअली ये जो रेनबो फॉल्ट वर्टिकल सेक्शन का फॉल्ट है, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये वर्टिकल IC है, ठीक है। तो इसी तरह प्रॉब्लम जब दिखा जाएगा तो फर्स्ट किस तरह इसको चेक करना पड़ेगा। तो दोस्तों, फर्स्ट आपको देखना पड़ेगा ये IC का मेन सप्लाई वोल्ट, एक माइनस वोल्ट और एक प्लस वोल्ट, ये दोनों सप्लाई कौन पोजीशन से आ रहा है और कहाँ पर जा रहा है, ये ठीक से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये चैसिस का ये जो EST देखिए, ये EST का ये देखिए, ये EST सप्लाई का पिन और ये आउटपुट ट्रांजिस्टर का कलेक्टर सप्लाई पिन, ठीक है। यह पर 110 वोल्ट इन होता है और यहाँ से आउट होता है। और दोस्तों, ये दो पिन का पास, ये जो दो पिन आप देख रहे हो, ये दो पिन से वर्टिकल सप्लाई आउटपुट होता है। आप अच्छा करके देखिए। तो दोस्तों, ये लाइन को आपको अच्छा करके देखना पड़ेगा। देखिए, ये जो लाइन जा रहा है बीच में एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये 1 ओम्स, 2 ओम्स, 2.2 ओम्स का आसपास रेजिस्टेंस होता है। तो दोस्तों, ये 1/2 वाट और 2 वाट रेजिस्टेंस यहाँ पर अधिक देखा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों, ये जो रेजिस्टेंस, उसका बाद यहाँ पर एक डायोड है, ठीक है। ये जो डायोड देखिए, ये डायोड का ये नेगेटिव साइड है, इधर सप्लाई इन होता है और इधर से सप्लाई आउटपुट होता है। तो दोस्तों, उसका बाद ये DC हो जाता है, DC 14 वोल्ट का आसपास सप्लाई IC पर जाता है। तो दोस्तों, बीच में एक जम्पर है। तो ये लाइन को अच्छा करके देखना पड़ेगा। और ये जो लाइन जा रहा है, ये जो लाइन जा रहा है, ये IC का एक पिन पर आता है, ठीक है। तो इसका ये जो दोनों सप्लाई पॉइंट है, आपको दिखाता हूँ। और उसके बाद RX, ये जो पिन है, ये पिन का साथ सेम नंबर का एक रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस के बाद ये जो डायोड देखी, ये डायोड का पॉजिटिव साइड इधर है और ये डायोड का नेगेटिव साइड इधर है। तो दोस्तों, ये डायोड पॉइंट पर माइनस वोल्ट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ये माइनस लाइन, ये देखिए सेम लाइन, ये एक जम्पर है, ये एक जम्पर है, ये दोनों सप्लाई इसी तरह जा रहा है। और ये जो लाइन देखिए जो जा रहा है इधर से, देखिए ये बीच में, ये IC का बीच में यहाँ पर आ रहा है। तो दोस्तों, ये माइनस वोल्ट का और ये प्लस वोल्ट का। तो फर्स्ट ये दोनों सप्लाई को देखना पड़ेगा, ये दोनों सप्लाई ओके है कि नहीं है। और दोनों सप्लाई नहीं मिलेगा तो आपको सप्लाई लाइन को देखना पड़ेगा और IC भी फॉल्ट हो सकता है। तो किस तरह चेक करना पड़ेगा, ये आपको डिटेल से वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। और दोस्तों, चलिए स्टेप बाय स्टेप सब कुछ देखना पड़ेगा। और ये सब वोल्टेज ओके मिलेगा तो तब भी इसी तरह प्रॉब्लम आएगा तो ये IC के अंदर एक सिग्नल आता है जो मेन प्रोसेसर IC से VOUT सिग्नल, ये सिग्नल लाइन को भी एक बार देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इसका मेन रीजन है। और दोस्तों, आपको देखना पड़ेगा कि इसी तरह प्रॉब्लम जब देखा जाएगा तो ये जो वर्टिकल का आउटपुट पॉइंट है, ये दो वर्टिकल का ये कॉइल का आउटपुट पॉइंट है, यहाँ पर हाई वोल्टेज आता है कि नहीं। मतलब जितना सप्लाई इन होता है ये IC का अंदर, ये सेम सप्लाई यहाँ पर आता है कि नहीं। जब यहाँ पर सेम सप्लाई आएगा तो आप लॉन्ग टाइम ये पिक्चर टिप पर लाइन देके मत रखिए। लाइन देके रखेगा तो ये जो ये कॉइल है, इसका जो वर्टिकल ये कॉइल होता है, इसका अंदर इतना हाई फ्रीक्वेंसी मतलब नहीं है वोल्टेज का बजाय, इसका जो कॉइल होता है, ये कॉइल बहुत ही हाई मैग्नेटिंग होगा। मैग्नेटिंग का बजाय इसका जो पिक्चर ट्यूब पर नेक होता है, ये जो नेक होता है, ये इधर अंदर से काट जाता है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसीलिए इसी तरह प्रॉब्लम को टेस्ट करने के लिए आप ज़्यादा टाइम सप्लाई दे के मत रखिए। तो चलिए आपको इसी टाइम क्या दिखाऊँगा। देखिए, मीटर को मैं चलिए यहाँ पर रखता हूँ। मीटर सेट करने के बाद आपको दिखाता हूँ कि देखिए, आपको वोल्टेज से सब टेस्ट करके दिखाऊंगा कि कौन पोजीशन की फॉल्ट है, ठीक है। तो दोस्तों, ये PCB के ऊपर मैं एक ऑलरेडी वीडियो बनाया, क्योंकि ये सेट डेड कंडीशन था, इसका LED पावर LED इसका ब्लिंकिंग प्रॉब्लम था। तो वो वीडियो के अंदर आपको बताया कि इसी तरह जो प्रॉब्लम लास्ट में जो देखा जाता है, तो इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। तो चलिए, कोई बात नहीं, ये वीडियो के अंदर आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए, इसका सप्लाई दे देता हूँ फर्स्ट टाइम। और दोस्तों, ये PCB आपको डायरेक्ट लाइन से ही सप्लाई देना पड़ेगा। सप्लाई मैं दे दिया और इसका इंडिकेटर अभी जल रहा है, स्टैंड बाई से ऑन करना पड़ेगा। देखिए, स्टैंड बाई से ऑन किया। और चलिए, इसका वर्टिकल सप्लाई
फर्स्ट क्या देखना पड़ेगा, ये देखिए पॉजिटिव सप्लाई 13 वोल्ट ये ओके है, और ये प्लस वोल्ट और इसका माइनस वोल्ट। तो दोस्तों ये जो माइनस पॉइंट पर देखिए कुछ भी वोल्टेज नहीं है, 0.9 वोल्ट। तो इसी तरह इसका फॉल्ट है, और देखिए स्क्रीन पर अभी रेनबो प्रॉब्लम है। तो कैसे ये चेक करना पड़ेगा, तो चलिए मैं सप्लाई को ऑफ कर देता हूँ। तो दोस्तों देखिए इसी तरह जब प्रॉब्लम आएगा आपको किस तरह चेक करना पड़ेगा, चलिए मैं आपको बहुत क्लियर करके दिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों आपको ये पोजीशन को अच्छा करके फोकस करना पड़ेगा। देखिए ये जो दो सप्लाई लाइन है आपको फर्स्ट टाइम बताया, बीच में रेजिस्टेंस है, उसके बाद एक डायोड है। तो ये पॉजिटिव सप्लाई का मान लीजिए पॉजिटिव सप्लाई मिसिंग हो गया तो हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगा, और नेगेटिव सप्लाई मिसिंग होने का रीजन से दोस्तों इसी तरह ये फॉल्ट है। तो देखिए ये जो दोनों सप्लाई जा रहा है, ये जो दोनों सप्लाई ये चैसिस का दोस्तों वीडियोकॉन सैमसंग अकाई फिलिप्स इसी तरह जो चैसिस है, ये चैसिस के अंदर आप अच्छा करके देखिए ये जो सप्लाई लाइन जा रहा है ये पोजीशन का अंदर एक जेनर डायोड दिखा जाता है। तो दोस्तों ये जेनर डायोड शॉर्ट होने का रीजन से ये सप्लाई लाइन का अंदर वोल्टेज देखने को नहीं मिलेगा, और उसी का साथ ये डायोड भी शॉर्ट हो सकता है और ये रेजिस्टेंस भी ओपन हो सकता है। तो ये पोजीशन को आपको एक बार ध्यान रखना पड़ेगा। और दोस्तों ये जो माइनस वोल्टेज जो लाइन है, ये माइनस वोल्टेज लाइन का अंदर देखिए ये जो लाइन जा रहा है, ये जो लाइन जा रहा है आप यहाँ पर आपको फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पर एक जेनर डायोड नेगेटिव के साथ कनेक्शन देखा जाता है। दोस्तों ये डायोड शॉर्ट हो जाएगा तो तब नेगेटिव वोल्टेज देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये जो दो सप्लाई ये आईसी के अंदर जा रहा है, तो आईसी खुद शॉर्ट हो जाएगा तो तब भी वोल्टेज देखने को नहीं मिलेगा। तो इसीलिए आपको किस तरह चेक करना पड़ेगा, देखिए मीटर को आपको इसी तरह कॉन्टिन्यूटी मोड पर रखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए कॉन्टिन्यूटी मोड पर मैं रखा है, और देखिए बाजार अभी बाज रहा है। तो दोस्तों ये जो फर्स्ट आपको दिखाऊंगा कि इसका पॉजिटिव सप्लाई वोल्ट ओके है, मतलब ये जो लाइन देखिए बीच में रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के बाद ये डायोड है, ये लाइन सप्लाई वोल्ट ओके है। दोस्तों ये सप्लाई वोल्ट लाइन का साथ आपको जो नेगेटिव है, देखिए ये जो नेगेटिव, ये जो ईएसटी का नेगेटिव का साथ, ये नेगेटिव का साथ आपको मीटर टच करके देखना पड़ेगा कितना रीडिंग दे रहा है, 479 ओम्स का आसपास। और ये मीटर कट को घुमा कर आप देखेगा तो देखिए ये इतना हाई ओम्स दिखाता है, तो मतलब ये लाइन शॉर्ट नहीं है, तो इसीलिए इसका लाइन का वोल्टेज ओके है, ठीक है। तो चलिए इसी तरह ये जो नेगेटिव सप्लाई लाइन आप अच्छा करके देखिए, ये जो डायोड है, डायोड का ये साइड आपको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ईएसटी से जो वोल्टेज आउटपुट होता है ये लाइन को चेक टच मत कीजिए, डायोड का बाद जो ये सप्लाई आउटपुट हो रहा है ये लाइन को आपको चेक करना पड़ेगा। तो ये लाइन का साथ देखिए नेगेटिव का साथ मैं टच करके देखता हूँ, दोस्तों ये भी शॉर्ट नहीं है। दोस्तों उसके बाद चलिए मीटर कॉर्ड को घुमाने के बाद इसी तरह आपको चेक करके देखना पड़ेगा मीटर कॉर्ड घुमाने के बाद। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर भी शॉर्टिंग नहीं बता रहा है, मैं दोनों साइड से देख रहा हूँ। तो दोस्तों शॉर्ट बताएगा तो आपको क्या देखना पड़ेगा कि ये लाइन का अंदर जो जेनर डायोड है, ठीक है, ये जेनर डायोड को देखना पड़ेगा, और ये लाइन शॉर्ट होगा तो ये जेनर डायोड को देखना पड़ेगा। और उसका बाद जेनर डायोड चेंज करने का पहले ये डायोड को एक बार चेक कीजिए, डायोड को एक बार चेक कीजिए, और रेजिस्टेंस ओपन हो गया है कि नहीं ये चेक कीजिए। तो दोस्तों चलिए शॉर्ट तो नहीं है, तो उसका बाद क्या चेक करना पड़ेगा कि ये लाइन से वोल्टेज क्यों नहीं आ रहा है, तो इसका रेजिस्टेंस तो ओपन नहीं है। इसीलिए देखिए अभी इसी टाइम आपको देखाऊंगा कि इसका माइनस वोल्टेज लाइन फॉल्ट है। तो इसीलिए देखिए बीच में जो रेजिस्टेंस है, ये ईएसटी से जो सप्लाई, देखिए जो सप्लाई जो आ रहा है बीच में जो रेजिस्टेंस भी ओके है, देखिए रेजिस्टेंस ओके है तो सप्लाई इधर जरूर आना चाहिए। तो दोस्तों चलिए उसके बाद डायोड तो शॉर्ट नहीं है, देखिए डायोड को मैं चेक करके देखता हूँ। देखिए दोस्तों डायोड का रीडिंग आ रहा है, अब डायोड को घुमा के देखने के बाद भी दोस्तों ये डायोड भी सही बता रहा है, क्योंकि डायोड एक साइड से रीडिंग देता है और एक साइड से रीडिंग नहीं देता है। अब देख सकते हो इसी साइड से रीडिंग दे रहा है और ये साइड से रीडिंग नहीं दे रहा है, मतलब ये डायोड भी सही है तब भी दोस्तों वोल्टेज नहीं आ रहा है, तो क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों चलिए इसी तरह प्रॉब्लम जब आएगा तो चलिए ये जो आईसी का दोनों सप्लाई पिन, जिस पिन पर सप्लाई इन हो रहा है, ये दोनों पिन को एक बार ओपन करके देखना पड़ेगा कि आईसी का अंदर सप्लाई जाने का बाद आईसी तो वोल्टेज को ड्रॉप नहीं कर देगा कि नहीं, ये भी एक बार इसी तरह देखना पड़ेगा। तो चलिए मैं एक बार ये आईसी का आपका सामने दोनों पिन ओपन करके एक बार टेस्ट करके देखूँगा कि माइनस वोल्ट क्यों नहीं आ रहा है। तो फर्स्ट वोल्टेज को चेक करना पड़ेगा, वोल्टेज को ओके करना पड़ेगा, उसके बाद अलग अलग जो प्रॉब्लम आएगा सब कुछ देखना पड़ेगा, ठीक है।
इसी तरह प्रॉब्लम, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, फर्स्ट वोल्टेज को आपको रेडी करना पड़ेगा। तो ये आप दिमाग में पूरा सेट कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि बहुत न्यू टेक्नीशियन क्या करता है कि आईसी को ही फर्स्ट चेंज कर देता है, चेंज करने के बाद प्रॉब्लम नहीं मिलेगा तो कमन करेगा, सर ये प्रॉब्लम है, मैं आईसी चेंज किया, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, क्या करना पड़ेगा। तो दोस्त आगे पहले से वोल्टेज तो सही करना पड़ेगा ना। तो चलिए देखिए, इसी तरह इसका दो आईसी का पिन को मैं ओपन कर दिया। अब चाहे तो पूरा आईसी को ओपन कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, दो पिन को ओपन किया, बट ये फॉयल लाइन का साथ टच ना हो जाए, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए, और ये जो ऑड में कनेक्शन किया, देखिए नेगेटिव है, मीटर का नेगेटिव मैं यहाँ पर लगाता हूँ। और चलिए इसी टाइम वोल्टेज चेक करके देखना पड़ेगा। मीटर को 200 डीसी रेंज पर सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। और चलिए इसी टाइम सप्लाई देके देखता हूँ। दोस्तों सप्लाई दे दिया, स्टैंड बाई ऑन करना पड़ेगा। चलिए स्टैंड बाई से अभी ऑन नहीं हो रहा है। स्टैंड बाई से ऑन हो गया, बार दोस्तों एक ची टाइप आवाज़ निकल रहा है। तो चलिए माइनस वोल्ट एक बार देखना पड़ेगा। तो दोस्तों माइनस वोल्ट अभी मीटर पर देखिए कितना वोल्ट, देखिए माइनस 4 वोल्ट आ गया, थोड़ा सा वोल्टेज ये देखा जाता है। और प्लस वोल्ट देखिए कितना वोल्ट, देखिए प्लस 13 वोल्ट, 14 वोल्ट के आसपास, ये ओके है। और माइनस वोल्ट दोस्तों यहाँ पर नहीं है, तो क्या चेक करना पड़ेगा। तो दोस्तों चलिए मैं सप्लाई को ऑफ कर देता हूँ। सप्लाई ऑफ करने के बाद इसी टाइम दोस्तों ये सब लाइन पर ओके ये सब देखा जाता है, तब भी इसी तरह प्रॉब्लम जब देखा जाता है, न्यू टेक्नीशियन का दिमाग में कुछ भी नहीं चलेगा कि वो फिर भी कमेंट करके बताएगा, सर पीसीबी का ऑल पार्ट्स ओके है, वर्टिकल सेक्शन का पार्ट्स ओके है, डायोड ओके है, रेजिस्टेंस ओके है, सब कुछ ओके है, तब भी इसी तरह फॉल्ट है, उसी तरह फॉल्ट है, ये भी बताएगा। तो इसीलिए ये जो डायोड है, सप्लाई लाइन का डायोड, कभी कभी होता है कि ये डायोड लीकेज हो जाता है। मीटर से अब मेजर करेगा तो तब भी डायोड ओके दिखाएगा, बट जब न्यू अप लगाएगा तो तब आपको पता चल जाएगा कि ये डायोड लीकेज शॉर्ट है कि नहीं है। तो इसीलिए ये सप्लाई डायोड का एक बार चेंज करके देखना पड़ेगा। दोस्तों ये वीडियो को आप स्किप मत कीजिए, क्योंकि पूरा डिटेल्स आपको ये वीडियो के अंदर मैं बताना चाहता हूँ, प्रैक्टिकली करके दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। तो आप वीडियो फुल वॉच कीजिए तो आपको क्लियर नॉलेज मिल जाएगा, नहीं तो आपको क्लियर नॉलेज नहीं होगा। मेनली मैं न्यू टेक्नीशियन को बताना चाहता हूँ, ठीक है। देखिए चलिए मैं ये डायोड को ओपन किया, और ये डायोड को एक बार बाहर करना पड़ेगा। दोस्तों देखिए ये डायोड को मैं ओपन किया, ठीक है। और इसके बाद ये डायोड मैं आपको चेंज करके देखूंगा। तो यहाँ पर बहुत कुछ डायोड आप यूज़ कर सकते हो, 10J डायोड, 15J डायोड आप यूज़ कर सकते हो, बट यहाँ पर जो डायोड नंबर दोस्तों ये 105 का डायोड यहाँ पर कंपनी यूज़ किया है। तो चलिए कोई बात नहीं, इसी टाइम अरे एक तरीका चलिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि देखिए डायोड तो मैं ओपन किया, डायोड लगाने का पहले देखिए मैं डीसी रेंज पर आपको टेस्ट करके देखा है, अभी इसी टाइम एसी रेंज पर मैं सिलेक्ट किया, ठीक है। मीटर को एसी रेंज पर सिलेक्ट किया क्योंकि आपको फर्स्ट ये ईएसटी का जो दो पिन है यहाँ से एसी वोल्ट आउटपुट होता है, फर्स्ट आपको दिखाऊंगा कि एसी वोल्ट यहाँ पर मिलता है कि नहीं, ठीक है। तो चलिए मैं सप्लाई दे देता हूँ। देखिए सप्लाई दे दिया, चलिए स्टैंड बाई से ऑन करना पड़ेगा। स्टैंड बाई से ऑन किया और ईएसटी का पिन पर दोस्तों देखिए एसी वोल्ट मिल रहा है, देखिए 24 वोल्ट, ये देखिए 24 वोल्ट मिल रहा है ईएसटी पिन से, और ये पिन पर भी सेम वोल्ट इसी तरह देखा जाता है, मतलब ईएसटी से वोल्टेज निकल रहा है। तो चलिए मैं सप्लाई ऑफ करके दिखाता हूँ। देखिए मैं सप्लाई को ऑफ किया और इसी टाइम एक बार डायोड लगा के देखता हूँ क्या रिजल्ट आता है। दोस्तों चलिए मेरा पास ये डायोड देखिए कुछ 10J का डायोड है, ठीक है। तो यह से ये एक डायोड मैं
आपको लगा के दिखाता हूँ कि दोस्तों देखिए डायोड का ये जो व्हाइट वाला मार्किंग ये ऊपर साइड होना चाहिए, ये ESD सप्लाई लाइन का साथ होना चाहिए क्योंकि ये माइनस सप्लाई लाइन का, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर डायोड लगाया और ये देखिए डायोड का पॉजिटिव साइड ऊपर है और उसका बाद ये पॉइंट पर लगा के देखना पड़ेगा। तो दोस्तों इसका बाद नहीं होगा तो और क्या करना पड़ेगा, अभी वीडियो लास्ट तक देखिए। ठीक है, और इसी टाइम वोल्टेज एक बार चेक करके मैं देखूंगा। ठीक है, मीटर को मैं यहाँ पर ही रखता हूँ और मीटर को आपको DC रेंज पर सिलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि डायोड का बाद ये DC हो जाता है। तो चलिए एक बार सप्लाई देख के देखना पड़ेगा। देखिए मैं सप्लाई दे दिया और उसका बाद स्टैंड बाई से ऑन करना पड़ेगा। स्टैंड बाई से ऑन हो गया और दोस्तों यहाँ पर वोल्टेज देखिए -16 वोल्ट ये आ गया। अब अच्छा करके देखिए तो ये वोल्ट मिसिंग था। ठीक है, तो IC पिन तो मैं ओपन करके रखा है, चलिए मैं IC कनेक्शन करके आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों चलिए मैं सप्लाई को ऑफ कर दिया। ऑफ करने का बाद ये जो IC को मैं सप्लाई पिन को ओपन किया, ये मैं कनेक्शन कर देता हूँ। करने के बाद एक बार देखना पड़ेगा क्या रिजल्ट आता है। तो उसका बाद वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है कि नहीं ये भी देखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए एक बार सप्लाई दे देता हूँ। सप्लाई देने का बाद भी आपको देखूँगा कि वोल्टेज कितना मिलता है। ठीक है, तब थोड़ा सा वेट कीजिए। देखिए सप्लाई दे दिया, स्टैंड बाई से ऑन किया, यहाँ पर कितना वोल्ट देखिए -11 वोल्ट, थोड़ा सा वोल्टेज डाउन हो गया। और पॉजिटिव लाइन पर कितना वोल्ट, -10-11 वोल्ट, थोड़ा सा डाउन हो गया। तो दोस्तों अभी इसी टाइम देखिए आपको दिखाना चाहता हूँ कि देखिए इसी तरह फॉल्ट आ गया। आप अच्छा करके देखिए, मतलब ये TV का और कुछ फॉल्ट है, आप अच्छा करके देखिए इसी तरह प्रॉब्लम आ गया, इसका रेनबो प्रॉब्लम चला गया। तो इसीलिए और देखना पड़ेगा। तो दोस्तों इसी तरह प्रॉब्लम IC से हो सकता है। ठीक है, तो चलिए मैं सप्लाई को ऑफ कर देता हूँ, अच्छा करके प्रॉब्लम का एक बार देख लीजिए। ठीक है, इसी तरह प्रॉब्लम आ गया। तो सप्लाई को ऑफ किया, ऑफ करने के बाद चलिए आपको इसी तरह प्रॉब्लम जब आएगा तो दोस्तों IC प्रॉब्लम कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। तो दोस्तों IC का जो अलग अलग पिन होता है, अलग अलग पिन का अलग अलग वोल्टेज होता है, आपको पूरा अलग अलग वोल्टेज चेक करके देखना पड़ेगा। देखने के बाद पता चल जाएगा कि प्रॉपर वोल्ट मिल रहा है कि नहीं। प्रॉपर वोल्ट नहीं मिलेगा तो तब भी IC फॉल्ट हो सकता है। दोस्तों इतना कुछ देखने का मेरा पास टाइम नहीं है, मैं डायरेक्ट ही IC को एक बार चेंज करके देखूंगा। ठीक है, तो चलिए IC ओपन करने के बाद आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर जो वर्टिकल IC है, ये वर्टिकल IC को मैं सोल्डरिंग ओपन किया। सोल्डरिंग ओपन करने के बाद आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये जो वर्टिकल IC का नंबर देखिए LA78141। दोस्तों इसका बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि अल्ट्रा स्लिम PCB होगा तो आप यहाँ पर LA78141 इसका जगह LA78145, ठीक है, LA78041 इसी तरह IC आप यूज़ कर सकते हो क्योंकि इसी तरह IC का वोल्टेज हाई होता है। आप यहाँ पर LA78040 IC लगाएगा तो ठीक है काम करेगा, बट वो IC लॉन्ग टाइम नहीं चलेगा क्योंकि वो IC का वोल्टेज बहुत कम होता है। तो चलिए मैं ढूंढ के देखता हूँ मेरा पास इसी तरह IC है कि नहीं है और कौन सा IC है, यहाँ पर लगाने के बाद आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों इसका ओरिजिनल IC जो नंबर आप अच्छा करके देखिए LA78141। बट दोस्तों ये सेम नंबर मेरा पास नहीं है, मेरा पास जो नंबर है देखिए LA78041 का। ठीक है, ये भी अच्छा क्वालिटी का, ये दोस्तों ओरिजिनल IC है। ठीक है, तो मार्केट का अंदर बहुत डुप्लीकेट IC भर गया तो वो IC ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए ये LA78041 IC, ये IC मैं यहाँ पर लगाऊंगा। ठीक है, लगाने के बाद सोल्डरिंग करने के बाद आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों मैं IC को सोल्डरिंग कर दिया, आप देख सकते हो 78041 का। बार दोस्तों आपको इसी टाइम न्यू टेक्नीशियन को बताना चाहता हूँ कि देखिए ये जो हीटसिंग है, हीटसिंग से पीछे एक व्हाइट वाला पेस्ट दिखा जाता है, तो दोस्तों ये हीटसिंग पेस्ट, बहुत दोस्त को ये बताता है कि हीटसिंग पेस्ट लगाना ज़रूरत पड़ेगा, बट दोस्तों मैं कभी हीटसिंग पेस्ट नहीं लगाता हूँ। ठीक है, तो आपको अच्छा तरह देखना पड़ेगा ये जो बॉडी है IC का, ये हीटसिंग के साथ अच्छा तरह से ये सेट होना चाहिए। तो ठीक है, तो कोई बात नहीं, चलिए मैं एक बार आपको ये IC को सोल्डरिंग करके दिखाता हूँ। अभी तक मैं सोल्डरिंग नहीं किया है, आप देख सकते हो। ठीक है, सोल्डरिंग करने के बाद आपको सप्लाई देके दिखाता हूँ। तो दोस्तों चलिए आपका सामने में प्रैक्टिकली एक बार डायरेक्ट
आईसी को सोल्डरिंग करूंगा और उसका बाद सप्लाई देके देखूंगा, ठीक है, क्या रिजल्ट आता है। तो ये भी देखना पड़ेगा, होगा और नहीं होगा कोई बात नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स का इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है, और नहीं होगा तो और कौन-कौन पार्ट्स प्रॉब्लम है ये सब कुछ करना पड़ेगा। तो खास तो मैं टारगेट किया आईसी फॉल्ट हो सकता है, ऐसा नहीं है कि आईसी फॉल्ट हो जाएगा, फॉल्ट होगा, ठीक है। तो चलिए एक बार आईसी चेंज करने का बाद अपना समय में सप्लाई देके देखूंगा। आईसी तो मैं सोल्डरिंग कर रहा हूँ, बट आईसी का पिन बहुत देर से पड़ा हुआ आईसी, तो इसको थोड़ा पिन के अंदर फंसा है, इसीलिए आईसी ठीक से नहीं लग रहा है, सोल्डरिंग नहीं पकड़ रहा है। तो चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा तो टाइम लगेगा, ये हो जाएगा सोल्डरिंग, ठीक है। तो चलिए लगता है ये सोल्डरिंग हो गया, तो आपको अच्छा करके देखना पड़ेगा ये आईसी का एक पिन का साथ दूसरा पिन का साथ कुछ भी शॉर्टिंग ना हो जाए, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए आप चाहे तो ये आईसी पोजीशन को पेस्ट्रोल और थिनर लेके एक बार वॉश करेगा तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि कुछ भी शॉर्टिंग है कि नहीं है ये सब कुछ पता चल जाएगा। तो लगता है कुछ भी शॉर्टिंग नहीं है, तो तब भी दोस्तों ट्वीज़र लेके एक बार इसी तरह फेस करना पड़ेगा, कुछ भी पिन का साथ शॉर्ट ना हो जाए ये भी एक बार चेक करके देखना पड़ेगा, कुछ भी ऐसे हो सकता है न्यू कनेक्शन करने का समय आपको इसी तरह देखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए आईसी तो लगा है, चलिए आपका सामने मैं सप्लाई देके देखता हूँ कि क्या रिजल्ट आता है, ठीक है। तो चलिए मैं सप्लाई दे दिया और उसका बाद स्टैंड बाई से ऑन किया, तो एक बार स्क्रीन पर देखना पड़ेगा क्या रिजल्ट आता है। दोस्तों देखिए रिजल्ट 100% ओके, ये आईसी का फॉल्ट है, पूरा स्क्रीन ब्लू लाइट आ गया। तो दोस्तों ये वीडियो के अंदर जो इन्फॉर्मेशन आपको शेयर किया अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और दोस्तों चलिए आपको और कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर देता हूँ। तो मैं सप्लाई का भी ऑफ कर देता हूँ, ऑफ किया, ठीक है। ऑफ करने के बाद देखिए आप अच्छा करके ध्यान दीजिए कि ये डायोड चेंज करने के बाद इसका प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया, आपको बात है। तो दोस्तों डायोड को मैं पहले ही लगा दिया, जो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया मतलब सप्लाई वोल्टेज सॉल्व हो गया, और दोस्तों तब भी वोल्टेज नहीं आएगा तो ये जो सप्लाई लाइन के साथ जो कैपेसिटर है ये पूरा सप्लाई लाइन सभी सप्लाई लाइन के साथ एक कैपेसिटर दिखा जाता है। तो दोस्तों ये कैपेसिटर भी शॉर्ट हो सकता है, ठीक है, ये कैपेसिटर भी शॉर्ट हो सकता है। तो ये लाइन का कैपेसिटर भी आपको चेंज करके देखना पड़ेगा, चेक नहीं, बहुत दोस्त ने ऊपर से लगा के देखता है। तो दोस्तों कैपेसिटर शॉर्ट होने के बाद अब ऊपर से लगाएगा तब भी वो जो कैपेसिटर पीसीबी के अंदर है वो भी वोल्टेज को ड्रॉप कर देगा, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए ये पीसीबी एक टेक्नीशियन दोस्त का पीसीबी है, बहुत कुछ प्रॉब्लम था आप खुद ही देखा है, पावर सेक्शन प्रॉब्लम मैं रेडी किया, पार्टिकल सप्लाई प्रॉब्लम रेडी किया, आईसी भी फॉल्ट है। तो चलिए एक बार फाइनली क्या देखना पड़ेगा कि साउंड और एक बार वीडियो चेक करके देखना पड़ेगा, ठीक है।